शिद्दत नजर आ रही है। इसराइल ने जनूबी लेबनान में जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हिजबुल्ला के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ग्राउंड ऑपरेशन की मजम्मत हो रही है। ब्राजील और तुर्की समेत कई ममालिक ने इसकी मजम्मत की है। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल लेबनान जंगबंदी का मुतालबा किया है। हसन नसरुल्ला के कत्ल के बाद इसराइल लेबनान की जंग में शिद्दत आ गई है। आपको बता दें कि इसराइल ने अपनी फौज को लेबनान के साथ अपनी सरहद पर भेज दिया है और लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ महदूद जमीनी कार्रवाइयों का ऐलान कर दिया है। इसराइल की फौज ने एक बयान में कहा है कि इसका हदफ वो सरहद के करीब ही है और उसने शुमाली इसराइल में इसराइली शहरियों के लिए खतरा पैदा हो गया है। जमीनी ऑपरेशन शुरू होने से ही लेबनान की राजधानी बैरूत में कई धमाकों की आवाज भी सुनी गई है। और इस बीच नसरुल्ला की मौत के बाद पहली बार आवाम से खिताब करते हुए नसरुल्ला के नायब चीफ नईम कासिम ने कहा है कि आपको बता दें यहाँ पे जिस तरीके से अब तक जंग में शिद्दत आई है उसके बाद से नायब चीफ नईम कासिम ने कहा है कि हम हर तरह के हमले के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि जीत हमारी ही होगी, बस थोड़ा सब्र करना है। वहीं इसराइल के जंगी तैयारों ने गुज़श्ता 24 घंटों में बैरूत के जनूबी इलाकों पर जबरदस्त हमले किए हैं। वहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी इसराइल की मजम्मत हो रही है। ब्राजील के सदर ने भी इसराइल की मजम्मत की है सख्त अल्फाज में। और उसके अलावा तुर्की के सदर ने भी मुतालबा किया है कि फौरन इसराइली फौज को लेबनानी सरहद से दूर किया जाए। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन ने हिजबुल्ला और इसराइल के दरमियान फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। तो इसराइल लेबनान की जंग में और ज्यादा मजीद आग लगती हुई नजर आ रही है। इसराइल ने जनूबी लेबनान में जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हिजबुल्ला के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ग्राउंड ऑपरेशन की चारों तरफ से मजम्मत भी हो रही है। ब्राजील और तुर्की समेत कई ममालिक ने इसकी मजम्मत की है। साथ ही यूरोपीय यूनियन ने इसराइल लेबनान जंगबंदी का मुतालबा किया है। हसन नसरुल्ला के कत्ल के बाद से इसराइल लेबनान की जंग में शिद्दत आ गई है। इसराइल ने अपनी फौज को लेबनान के साथ अपनी सरहद पर भेज दिया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ महदूद जमीनी कार्रवाइयों का ऐलान कर दिया गया। इसराइल की फौज ने एक बयान में कहा है कि इसका हदफ सरहद के करीब ही है और उसने शुमाली इसराइल में इसराइली शहरियों के लिए खतरा पैदा हो गया है। जमीनी ऑपरेशन शुरू होने से ही लेबनान की राजधानी बैरूत में कई धमाकों की आवाज भी सुनी गई। इस बीच नसरुल्ला की मौत के बाद पहली बार आवाम से खिताब करते हुए हिजबुल्ला के नायब चीफ नईम कासिम ने कहा है कि हम हर तरह के हमले के लिए तैयार हैं और उन्होंने कहा है कि जीत हमारी ही होगी, बस थोड़ा सब्र करना है। वहीं इसराइल के जंगी तैयारों ने गुज़श्ता 24 घंटों में बैरूत के जनूबी इलाकों पर जबरदस्त हमले किए हैं। उधर इंटरनेशनल लेवल पर भी इसराइल की मजम्मत हो रही है। ब्राजील के सदर ने भी इसराइल की मजम्मत की है सख्त अल्फाज में। इसके अलावा तुर्की के सदर ने मुतालबा किया है कि फौरन इसराइली फौज को लेबनानी सरहद से दूर किया जाए। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन ने हिजबुल्ला और इसराइल के दरमियान फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। Evacuate American citizens from Lebanon at this time. We always conduct a prudent planning process. We have been doing that for some months, going all the way back to October 7th, but at this time there's still commercial options available. All right. This is a moment of truth for Lebanon. Certainly, it's a moment of truth for this country caught in the middle of a war. And the European Union has to collectively commit to preserve its state institutions of the risk of collapsing.